नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और दीपावली का त्यौहार मना के एकदम मस्त होंगे। भाई आज की जो कमेंट है आप देख लें, कमेंट में भाई ने बहुत बड़ी कमेंट की है कि भाई आप तो डरा रहे हो कि कबूतर जो कबूतर और कबूतरी का जोड़ा लगाते हैं तो पहली बार में वो अंडा नहीं देगी और कोई दे भी सकती है। और बहुत बहुत कुछ उनने बोला है कि यार भाई तुम तो डराते हो, ये मैं नहीं चाहता भाई, मैं तो चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा बताएं कि कबूतरी अंडा दे। तो भाई मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जिनके कबूतर और कबूतरी, मान लीजिए आपके यहाँ आपने जोड़ा लगाया और कबूतरी अग्रेसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा उतावली है जोड़ा लगाने के लिए, मीटिंग वीटिंग करने के लिए, बाकी कबूतरी के अंदर वो अंडे देने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो डेवलप ही नहीं हुए। और अगर उस कबूतरी से आप सोचो कि यार 5, 6 या 10 दिन बाद भी अंडे दे दे वो कबूतरी, मीटिंग मीटिंग करके 5, 6 या 10 दिन बाद, 8 दिन बाद अंडा अगर दे देगी वो, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि भाई वो अंडा नहीं देगी। आपकी कबूतरी खुद उसके शरीर के अंदर जो तकलीफें हैं, जो कमजोरियां हैं, जिनके कारण वो अभी अंडा नहीं दे सकती, भाई ऐसा कुछ नहीं है कि पहली पहली बार की जो कबूतरी होती है जिसके अंदर अंडे का गुच्छा, एक अंगूर के गुच्छे की तरह अंडे का गुच्छा होता है और उसमें एकदम बिल्कुल राई के दाने की तरह अंडे बने रहते हैं, वो बस वही अंडे आगे बढ़ बढ़ के बड़े बड़े होते जाते हैं और जब भी अंडा देना रहता है वो कबूतरी अंडा दे देती है उन्हीं गुच्छों में। अब जब तक वो गुच्छा नहीं बनेगा तब तक कबूतरी अंडा नहीं देगी। और वो उसका एक टाइम पीरियड होता है या फिर उसके बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा हेल्दी है या उसके अंदर, हम लोग कुछ लोग जो होते हैं वो कम हाइट के रह जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं कम उम्र में, अच्छी खासी हाइट हो जाती है, ठीक है भाई, कुछ की अच्छी बॉडी होती है सब कुछ, तो इसी प्रकार से कबूतरों में भी होता है। वो चीज़ आपको समझना पड़ेगी, ना कि आपने बोल दिया कि ठीक है जोड़ा लगा। कुछ कबूतरियाँ 6-7 महीने की उम्र में अच्छे से ब्रीडिंग करके अंडे बच्चे कर लेती है, कुछ कबूतरियाँ नहीं करती है, कुछ 5 महीने में भी अंडे दे देती है, ठीक है। तो ये चीज़ें कबूतरी और कबूतर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि हमारे बोलने से। मैं तो यही बताऊंगा कि भाई हो सकता है कि पहली पहली बार अगर मान लीजिए मीटिंग हो रही है, कंटिन्यू मीटिंग हो रही है, तो क्या होता है कंटिन्यू मीटिंग होने के बाद, अपने मीटिंग होने के बाद उनके अंदर मतलब ऑटोमेटिक उनका दिमाग उन सेल्स को, उन हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देता है कि भाई हाँ अब अंडा बनना चाहिए पेट में, ठीक है। और इसी के कारण फिर वो अंडा दे भी देती है, कुछ के अंदर कुछ कमियां होती है उस कारण भी वो अंडा नहीं दे पाती है। तो आप डरे नहीं, आप एक बार नहीं दिया अगर मीटिंग करने के बाद अंडा, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब हीट पे आएंगे और उसके बाद वो जब मीटिंग करेंगे तब तो अंडा देगी कबूतरी, ठीक है। अब पहली पहली बार जो कबूतरी अंडा देती है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया तो अच्छी बात है। अगर उस मीटिंग करने के बाद 10 दिन 8 दिन मीटिंग करने के बाद भी अंडा नहीं दिया, तो आप बोलते भाई कुछ ऐसा तरीका बताओ कि पहली बार में ही पहली पट्टी जो है वही अंडा दे दो। तो भाई जिन कबूतरियों को तकलीफ है, जो कबूतरी अंडों से बंद है, पहले देती थी अब नहीं दे रही है, तो भाई उसके लिए नुस्खे होते हैं, दवाइयाँ होती है। बाकी जो कबूतरी अभी अभी नई नई पट्टी है, पहली पहली बार मीटिंग किया, जोड़ा डाला उसने, पहली पहली बार मीटिंग की है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से जो पहले उनका अंडों का गुच्छा बनेगा और एक बार वो देना स्टार्ट कर दी। हाँ अगर उसमें बीच में रुक जाए कैल्शियम की कमी या कोई विटामिन प्रोटीन की कमी के कारण, तो ही हम उसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसको दवाई दारू कर सकते हैं। भाई मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई लोग समझ गए होंगे और मेरे भाई ने जो कमेंट किए उनका डर जायज है। बाकी भाई मैं किसी को डराने का मेरा कोई ऐसा मन नहीं रहता, जो है रियलिटी वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।